निर्भया के दोषियों को फांसी के मामले में अब एक और अपडेट आई है। सुनवाई जो आज चल रही थी वो कल तक के लिए टाल दी गई है। कल पटियाला हाउस कोर्ट में दोबारा से सुनवाई होगी। निर्भया के मां ने जज से गुहार लगाई है कि मैं जज साहब मैं न्याय के लिए भटक रही हूं, मगर इंसाफ कब मिलेगा? अपराधी देरी का फायदा उठा रहे हैं, मेरा विश्वास डगमगा रहा है, निर्भया की मां ने यह फरियाद की है। हमारे सहयोगी अमित इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, आज कार्रवाई थी अदालत की, माना यह जा रहा था कि आज कोई फैसला आएगा, क्या वजह रही कल तक के लिए टला? देखिए, हाई कोर्ट की तरफ से जो एक हफ्ते का टाइम दिया गया था जो भी आरोपी थे कि वो उस बीच अपनी जो भी कार्रवाई करना चाहते हैं वो अपनी कार्रवाई अपनी कर ले, और चूंकि आज जो है मामले फिर सुनवाई हुई और खासतौर पर डेथ वारंट जो है वो जारी करने के लिए निर्भया की मां लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन मामले का आज फिर एक बार रोक दिया गया है क्योंकि ठीक है। तो अमित, क्या माना जाए कि अब सभी विकल्प ऐसे दोषियों के खत्म हो चुके हैं कानूनी तौर पर, दया याचिका से लेकर के क्यूरेटिव पिटीशन, रिव्यू पिटीशन अब किसी के पास नहीं है? देखिए, पवन के पास अभी भी ऑप्शन है जिन पे पवन जो है वो आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि लगातार जो है आरोपियों के वकील एपी सिंह कह रहे हैं कि कुछ कागज जो है वो उन्हें देर से मिले जिस वजह से वो अपनी आगे की कार्रवाई को नहीं बढ़ा पाए। और ये मगर अमित, फिर उस कोर्ट के उस निर्देश का क्या है जिसमें ये कहा गया था कि 11 तारीख तक या एक हफ्ते तक अपने सारे कानूनी विकल्पों का इस्तेमाल कर लीजिए? देखिए, रिव्यू पिटीशन, क्यूरेटिव पिटीशन, राष्ट्रपति याचिका और खासतौर पे जो जुवेनाइल को लेकर पवन की सुनवाई है, तो कई सारी चीजें हैं। ऐसे में वकील अपना दावपेच जरूर आजमाएंगे और उसमें इस बात को कहा जा सकता है कि जो कोर्ट ने आदेश दिया था उसका पालन हुआ है, एक चीज हमने सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी है, उस पर जो सुनवाई हो जाएगी उसके बाद ही अगला विकल्प होगा, क्योंकि दोनों पिटीशन जो है वो एक साथ में नहीं डाली जा सकती है जब तक कि पहले का डिसीजन नहीं आया। तो जाहिर तौर पर दोषियों के वकीलों के पास भी ऑप्शन है, एक ऑप्शन और ये एक विकल्प बचा हुआ। अमित, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और ऐसे में अब क्या माना जाए कि अभी और कितना समय लगेगा, क्योंकि अगर ये रिव्यू पिटीशन डाली गई है सुप्रीम कोर्ट में या क्यूरिटी पिटीशन डाली गई तो जब तक वो खारिज नहीं हो जाती है उसके बाद में दया याचिका नहीं डाली जाएगी, दया याचिका का खारिज होने के बाद में उसके बाद ही कहीं ना कहीं ये डेथ वारंट का मामला सामने आएगा, क्या माना जाए कि अभी कितना वक्त लग सकता है? देखिए, अभी आरोपियों के पास सबसे बड़ा विकल्प मौजूद है कि अब तक जो है दोबारा कोई डेथ वारंट या कोई फांसी की तारीख जो है वो जारी नहीं की गई, तो सबसे पहला काम है जिसपे पटियाला हाउस कोर्ट में आप चलिए जी। अमित, चलिए, बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए, आगे भी आपकी तरफ रुख करेंगे।